नमस्कार, मिथिला मजनू में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, पूरे बिहार के साथ देश में भी शोक की लहर है। ये जो रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन की सूचना जैसे ही बिहार में फैली, पूरी तरह शोक का लहर व्याप्त हो गया। सभी राजनीतिक दल के नेता उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने में जुट गए। अब सवाल ये है कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह में क्या इस तरह के गुण थे जिसे सभी राजनीतिक दल के नेता उन्हें सम्मान करते थे, उन्हें उनकी इस आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित कर रहे हैं। हम बताते हैं, दरभंगा में भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी और युवा महानगर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन थी, उसी दरमियान ये सूचना मिली कि एम्स में रघुवंश प्रसाद सिंह के का निधन हो गया। इसके बाद तुरंत स्थगित किया गया और शोक सभा में तब्दील हो गया। सबसे अहम सवाल यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में और खासकर मनरेगा के लिए जो कार्य किया है वो काफ़ी सराहनीय है। इनके कार्यों को आज भी विभाग पूरी तन्मयता और गंभीरता से देख रही है और परखती है और कार्य कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे नेता कहे जाते थे लालू प्रसाद यादव के बाद हमारे लीडर, हमारे दोस्त, हमारे हम सफर, एक साथ काम करने वाले आज हम लोगों के बीच में रघुवंश प्रसाद सिंह जी नहीं रहे। मुझे वो दिन याद है जब वो यहाँ भी हमारे घर तशरीफ लाए थे और हमारे घर का बना हुआ पकवान और ढेर सारा बहुत दिल से खाया था। और हर साल वो अपने घर जरूर बुलाते थे तिला संक्रांति में, तो वो बीते हुए दिन हम लोग भुला नहीं पाएंगे। जिंदगी ईमानदारी निष्ठा के साथ उन्होंने पूरे देश की खिदमत की, इलाके की खिदमत की, बिहार की खिदमत की। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, हम उनके खानदान वालों के साथ हैं और आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके प्रति सबसे पहले मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के एक ग्रामीण सड़क का जो जाल पूरे बिहार में बिछा हुआ है और पूरे देश में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनके जाने से लगता है कि एक विकास का रास्ता थम गया है। मैं इतना दुख इनके परिवार के, इनके बच्चे को, इनको जो भी आज तक राजनीति में इनकी मदद करने वाले लोग हैं और अंतिम इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं अपना गाढ़ा दुख संवेदना व्यक्त करते हुए इन्हें ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां है वो सुख शांति इनका बना रहे। हम लोगों के सभी के गार्जियन स्वरूप और मेरे गार्जियन स्वरूप एक बहुत ही महान वीर हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान उनको ऊपर अंतिम स्वर में स्वर प्राप्ति हो और इससे ज़्यादा दुखद की बात कोई नहीं हो सकती है। जब से उन्होंने पार्टी में वो रहे, ईमानदारी के साथ और सरलता के साथ इस पार्टी में रहने का काम किया, खिदमत किया, इस इलाके की खिदमत की, बिहार की खिदमत की, और ऐसा नेता मुझे लगता आने वाले कल में कुछ पैदा हो सकता है। मैं फिर से मैं उनके पूरे परिवार के गरीब उनके साथ खड़ा हूँ, हमारा पूरा परिवार समझदार देखते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परिवार में भी इनकी हर बातें सुनी जाती थी। लालू प्रसाद यादव जब भी कोई गंभीर समस्या में पड़ते थे तो रघुवंश बाबू उन्हें सच्ची सलाह दे करके उनको उस गंभीर समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करते थे। अंतिम दिनों में भले खटास हो गई हो, उन्हें लगने लगा हो कि जो समाजवादी युग का एक अंत हो रहा है, उनकी बातें युवा पीढ़ी नहीं सुन रही है, वो काफ़ी मर्माहत हों, चाहे लोजपा से रामा सिंह के राजद में शामिल होने की बात हो या उनकी बात पार्टी में लोकसभा में नहीं मानी हो, इससे लेकर के वो नाराज जरूर चल रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें कहा आप जल्द स्वस्थ होकर लौटिए और फिर एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें, जबकि इस समय राष्ट्रीय जनता दल की संगठनात्मक मजबूती की आवश्यकता है।
क्योंकि रघुवंश बाबू के निधन और निधन से पहले उनके पत्र को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेताओं में भी वाहपोक स्थिति है कि आखिर ये राजद कैसे चलेगा। ऐसी परिस्थिति में सभी ने रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान नेता बनाया। आप भी गौर कीजिएगा कि रघुवंश राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के पास, खाली राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, सभी दल के राजनीतिक नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, लेकिन आज तक रघुवंश बाबू पर कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि उन्होंने उनके कार्यों को लोग सराहा, उनकी सादगी, उनकी गंभीरता, उनके बात करने के जो ढंग थे, जो सभी को आदर देते थे, ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। देखिए दरभंगा में भी मोहम्मद अली अशरफ फातमी, रामनिवास प्रसाद और फिराज फातमी के साथ अन्य सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने भी सच्ची श्रद्धांजलि दी है।